क्या ट्रेडिंग करने के लिए लैपटॉप लेना सच में जरूरी है? हम अपने फोन से भी स्टॉक बाय एंड सेल कर सकते हैं, चार्ट और कैंडल स्टिक देख सकते हैं, पैसे एड और विड्रॉल भी कर सकते हैं, फिर लैपटॉप लेने की क्या जरूरत? क्या ये लोग सिर्फ बड़े बड़े सेटअप लगाकर भौकाल बनाना चाहते हैं या सच में इनकी कोई यूज है? इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसी चीजें बताऊंगा जिन्हें जानने के बाद आपको भी लैपटॉप लेना एक सही डिसीजन लगने लगेगा। देखिए, मुझे पता है आपको ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, आपको ट्रेडिंग से पैसे कमाने हैं, तभी अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, बड़ी स्क्रीन। देखिए, फोन के मुकाबले लैपटॉप की स्क्रीन बड़ी होती है, जिससे कि हमें हर एक चीज क्लियर और अच्छे से दिखती है। हम अपने फोन से भी स्टॉक बाय एंड सेल कर सकते हैं, लेकिन आप अपने आप से पूछिए, आप यहाँ पर गैम्बलिंग करने के लिए आए हैं या सच में ट्रेडिंग से पैसे बनाने के लिए? अगर आप ट्रेडिंग से पैसे बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप मार्केट खुलते आए, 10 मिनट 15 मिनट यहाँ पर टाइम दें और अपनी प्रॉफिट करके निकल लें। ऐसा यहाँ पर नहीं होने वाला। आपको यहाँ पर 2 घंटे 3 घंटे टाइम देना पड़ेगा, मार्केट को समझना पड़ेगा, कौन सी स्टॉक ऊपर जाएगी और कौन सी स्टॉक नीचे आएगी, यह सब चीजें देखने पड़ेंगे। उसके बाद अपना ट्रेड लेकर प्रॉफिट या लॉस करना पड़ेगा। मान लीजिए आप एक फ्रीलांसर हैं, आप अपने फोन से बहुत अच्छी और स्मूथ वीडियो एडिट करते हैं, आप दूसरों की वीडियो एडिट करने के लिए काम करते हैं और आप सिर्फ अपने फोन से ही वीडियो एडिट करते हैं, तो कुछ दिनों के अंदर आपको बोरिंग महसूस होने लगेगा, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसे बिजनेस या जॉब की तरह नहीं बल्कि एक काम की तरह, एक फन की तरह देखेगा, जो कुछ ही दिनों के अंदर हमें बोरिंग लगने लगेगा। लेकिन वहीं पर अगर आपके पास एक लैपटॉप होगा, आप लैपटॉप से दूसरों के लिए वीडियो एडिट करेंगे, तो आपको यह एक जॉब या बिजनेस के तौर पर दिखेगा, आपका दिमाग इसे एक बिजनेस मानेगा और आपको टाइम टू टाइम काम करने के लिए फोर्स करेगा। तो वैसे ही आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो आपको यहाँ पर टाइम देना पड़ेगा, और जब तक आपके पास एक सेटअप नहीं होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे बिजनेस या जॉब नहीं मानेगा, आप इसे मन मौजी करेंगे, जब मर्जी किया ट्रेड करेंगे, जब मर्जी किया एग्जिट करेंगे, और इस चक्कर में ना आप कुछ सीख पाएंगे और हमेशा लॉस ही करते रहेंगे। जब आप अपना लैपटॉप खोल के उसके सामने बैठेंगे तो ऑटोमेटिक आपका फोकस बढ़ने लगेगा और आप ट्रेडिंग को सीखने लगेंगे। देखिए, ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं, यह एक स्किल है और स्किल को फोकस के साथ सीखा जाता है। अगर अभी आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप अपने फोन से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सक्सेसफुल होने के लिए आपको जल्द से जल्द सेटअप बनाना पड़ेगा, आपको यहाँ पर टाइम देना पड़ेगा, तब जाकर आप यहाँ पर सक्सेस हो पाएंगे। मेरे पास पहले से ही एक लैपटॉप है, लेकिन मैं अपने फोन में ही ट्रेडिंग करता था, 2 दिन प्रॉफिट तो 4 दिन लॉस हो रहा था। लेकिन जब मैंने अपने लैपटॉप में ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया, चार्ट देखना, कैंडल स्टिक देखना स्टार्ट किया, तब मेरा लॉस कम होने लगा और मैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी करने लगा। हमारा पॉइंट नंबर 2 भी यही है। देखिए, मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ, फोन में चार्ट देखना और लैपटॉप में चार्ट देखना दोनों में कितना ज्यादा डिफरेंट है। देखिए, हमें हमारे फोन में कम कैंडल स्टिक और छोटा चार्ट दिखाया जाता है, जिससे कि हमें क्लियर पता नहीं चलता कब प्राइस ऊपर जाएगी, कब प्राइस नीचे आएगी। इसी चक्कर में हमें जहाँ पर एग्जिट करना होता है हम वहाँ पर एंट्री लेते हैं, और जहाँ पर एंट्री लेना होता है वहाँ पर एग्जिट करते हैं, इसलिए हमें बड़ा लॉस देखने को मिलता है। देखिए, मैं लैपटॉप और फोन में एक ही स्टॉक को ओपन करके दिखाता हूँ, आप दोनों में कैंडल स्टिक और चार्ट का डिफरेंट देखिए। यहाँ पर आपको कितने सारे कैंडल दिख रहे हैं, जिससे कि आपको एक क्लियर व्यू मिल रहा है कि हमें कहाँ पर एंट्री लेनी है और कहाँ पर एग्जिट करना है। अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अब देखिए, हमें यहाँ पर हर एक चीज क्लियर और बड़ा अच्छे से दिखाई दे रहा है, जिससे कि हम कैंडल स्टिक देखकर पता लगा सकते हैं हमें कब एंट्री लेनी है, कहां पर अपना स्टॉप लॉस लगाना है और कहां पर अपना टारगेट रखना है। अगर आपको किसी इंडिकेटर के बारे में नॉलेज है तो आप सिंपली यहां पर क्लिक करके उस इंडिकेटर को लगाकर आप यहां पर ट्रेड ले सकते हैं। यहां पर आपको बहुत सारे इंडिकेटर मिल जाते हैं, हालांकि यह सारे इंडिकेटर आपको फोन में भी मिलते हैं, लेकिन आपको एक छोटी स्क्रीन पर कितना इंडिकेटर दिखेगा और कितना क्लियर दिखेगा आप ये जानते होंगे। देखिए, कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा, अगर आप कुछ दिनों से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप सिंपली कहीं पर ट्रेवल कर रहे होते हैं, अपने दोस्तों के साथ घूम रहे होते हैं और आप अपना फोन निकालकर वहां पर एक ट्रेड ले लेते हैं और 100% आपको उस ट्रेड में लॉस हो जाता है। अगर आपके साथ ऐसा कभी हुआ है तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसा इसलिए होता है, हमें लगता है कि हम कहीं गैम्बलिंग कर रहे हैं, कहीं पर सट्टे लगा रहे हैं, तुक्का लगाया, हाँ मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट ऊपर जाने पर ट्रेड ले लिया, मार्केट नीचे चली गई, हमें लॉस हो गया। इसीलिए अगर हमारे पास लैपटॉप होगा,
हम प्रॉपर टाइमली बैठेंगे, मार्केट को एनालाइज करेंगे, कब हमें बाई करना है, कब हमें सेल करना है, तो हमारी प्रॉफिट करने की चांस बढ़ जाएगी और हम इसे एक बिजनेस की तरह देखने लगेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप सोचते हैं कि आपको एक लैपटॉप लेना है, लेकिन आप यह सोच रहे हैं कि सिर्फ ट्रेडिंग करने के लिए किस टाइप का लैपटॉप लिया जाए, तो मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। सिंपली आप एक सेकेंड हैंड लैपटॉप भी ले सकते हैं, बस उसमें 4GB रैम होनी चाहिए और 256GB स्टोरेज हो, वो भी चलेगा। और आप उसकी बैटरी चेक कर लेना, आपको ज़्यादा ग्राफिक, ज़्यादा रैम की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह सब एक नॉर्मल वेबसाइटें हैं, इन्हें चलाने के लिए ज़्यादा रैम, ज़्यादा ग्राफिक की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल लैपटॉप से भी इनमें अपना ट्रेडिंग ले सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आप जहाँ पर भी ट्रेडिंग कर रहे हैं वहाँ पर थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो। देखिए, अगर आप ट्रेडिंग को लेकर सच में सीरियस हैं तो आपको अपना एक सेटअप तो बनाना ही पड़ेगा और यहाँ पर आपको हमेशा सीखते रहना होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।